हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Wazirx एप्लीकेशन से आप डेली बेसिस में 5 to 10,000 रुपीस कैसे अर्न कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी मन में डाउट होगा कि आप Wazirx में जो भी ट्रेड करते हो तो फिर आपको 3 या 4 दिन में कुछ प्रॉफिट मिलता है या फिर कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप डेली बेसिस में यहाँ से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो कैसे करके करनी है डिटेल्स में ये सब जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक वीडियो को देखते रहिए। बाकी अगर आप चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो फिर आपको आने वाले टाइम में ऐसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे जिससे आप क्रिप्टो मार्केट से बहुत अच्छा खासा यहां से प्रॉफिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास Wazirx एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से जाकर आप Wazirx को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आपको और एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है Binance, तो Binance भी अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में Binance का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप Binance को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है कि Wazirx एप्लीकेशन के अंदर आ जानी है। Wazirx एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको यहां पे अपना प्रोफाइल बना लेनी है। प्रोफाइल बनाने के बाद यहां पे ये जो सिंबल है इस सिंबल के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बोला जाएगा फी सेटिंग्स, ठीक है। तो फी सेटिंग्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो फी सेटिंग्स में अगर आप क्लिक कर दो तो फिर आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि पे ट्रेडिंग फीस विथ Wazirx। अगर आप Wazirx के थ्रू कोई भी ट्रेडिंग फीस पे करोगे तो फिर उसमें जो है आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास Wazirx कॉइन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप 100 या 200 का Wazirx कॉइन लेकर रख सकते हो ताकि आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट जो है हर एक पेमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को आपको एनेबल कर देनी है, अभी ये डिसेबल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को जब आप एनेबल कर दोगे, एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जानी है। बैक आने के बाद आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पे आपको ऊपर कॉर्नर में आप देख सकते हो यहां पे एक सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस सर्च बटन में आपको क्लिक कर देनी है। तो सर्च बटन में जब आप क्लिक कर दोगे तो फिर आपके सामने ऐसा और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पे आपको सर्च करनी है USDT को, ठीक है। तो USDT में यहां पे क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि USDT एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जिसमें आपको लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाता है और प्रॉफिट भी अगर आप करोगे तो फिर यहां पे बहुत कम प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। तो जिसके लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्रॉफिट जो है यहां पे डिपेंड करेगी आपके फंड्स के ऊपर, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। यहां पे मान लो यहां पे आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर यहां पे अगर एक USDT में आपका 1.5 रुपीस करके अगर आता है तो फिर 50,000 में आपका कितना ज्यादा यहां से प्रॉफिट हो जाता है आप यहां से खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो USDT का प्राइस यहां पे आपने देख लिया होगा 78.78 रुपीस जो है यहां पे हमें देखने को मिल रहा है Wazirx के अंदर। तो अभी जाके हम Binance के अंदर चेक करेंगे कि Binance में USDT का प्राइस क्या चल रहा है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि Binance और यहां पे Wazirx के अंदर USDT के प्राइस में कभी कभी हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाती है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 रुपीज का भी डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे चेक करते रहना है। तो बाकी यहां पे Binance के अंदर जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि USDT का प्राइस जो है हमें अभी Binance में कितना देखने को मिल रहा है। तो Binance के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि USDT का प्राइस जो है हमें 78.95 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे Binance के अंदर, और ऐसे ऐसे सेलर्स भी होते हैं जो कम दाम में भी यहाँ पे USDT को सेल करते हैं और बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो ज़्यादा दाम पे भी USDT को सेल करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो फिर Binance और Wazirx के अंदर लगभग सेम ही है USDT का प्राइस। आपको क्या करनी है, जब Binance के अंदर USDT का प्राइस 76 होगा तब आपको Binance से USDT उठा लेनी है, ठीक है। जब आप यहां पे USDT को परचेस कर लोगे Binance से तो आपको डायरेक्टली Wazirx के अंदर इसको ट्रांसफर कर देना है। तो जब भी आप ट्रांसफर करोगे अगर आप Wazirx के थ्रू फीस दोगे तो फिर आपका यहां से बहुत कम पैसे काटे जाएंगे, तो जिससे आपका प्रॉफिट भी यहां से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी बता देता हूं कि Binance में अगर यहां पे आपको ज्यादा दाम में देखने को मिल रहा है और Wazirx में अगर आपको कम दाम में देखने को मिल रहा है उस केस में आप यहां पे क्या कर सकते हो। तो उस केस के लिए आप यहां पे पहले से आ जाइए Wazirx एप्लीकेशन के अंदर। तो Wazirx एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको USDT में क्लिक कर देनी, USDT में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे USDT परचेस कर लेनी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गया है तो समवेयर अराउंड 58 या 60 रुपीज़ तक हमें USDT देखने को मिल रहा था, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में USDT को परचेस करके रखा था और एक दिन के अंदर यहाँ पे उनका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, ठीक है। तो अगर आप स्मार्टली यहाँ पे ट्रेड करोगे तो फिर यहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो डेली बेसिस में। तो अभी आप
देख सकते हो कि यूएसडीटी का प्राइस चल रहा है 78.77 रुपीज। तो मार्केट यहाँ पे अभी थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण आपको यूएसडीटी के अंदर थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट और भी थोड़ा नीचे जाएगा ना, तब आपको यूएसडीटी के प्राइस में 81 या 80 रुपीज तक देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यूएसडीटी जब भी आपको कम प्राइस में मिले तब आपको उठा लेनी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यूएसडीटी आप 78 रुपीज में लोगे और यूएसडीटी का प्राइस अचानक से 50 रुपीज तक चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे होना बहुत कम यहाँ पे जो है मुझे चांसेस लगता है कि यूएसडीटी के अंदर ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यहाँ पे आपको 70% एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अभी अगर 78 रुपीज चल रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाती है तो फिर आपको 76 या 77 तक देखने को मिलेगा, उससे नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास फंड्स है तो अभी ये सही टाइम है यूएसडीटी को परचेस करके रखने का। जब यूएसडीटी का प्राइस 80 रुपीज हो जाएगा तब आप सेल कर दीजिएगा, और सेल करने के बाद आपको यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से जब यूएसडीटी का प्राइस कम हो जाता है तब आपको फिर से यहाँ पे यूएसडीटी परचेस कर लेनी है, और आपको बायनांस भी लगातार चेक करते रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूएसडीटी का प्राइस जो है वाजीरएक्स में अगर 78 रुपीज रहता है तो बायनांस के अंदर हमें 73, 74, 75 ऐसे देखने को मिल जाता है। तो बायनांस में बहुत सारे सेलर्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायनांस के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सेलर्स देखने को मिल जाएंगे जो 78, 79 में जो है यहाँ पे अभी यूएसडीटी को सेल कर रहे हैं। तो आपको एक ही चीज करनी है, बायनांस में भी अपडेटेड रहना है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई सेलर यहाँ पे 75-76 रुपीस में भी अपना यूएसडीटी सेल कर देते हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को आपको तुरंत ग्रैब कर लेनी है, वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि आप पैसिव इनकम यहाँ पे कैसे कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, और यहाँ पे अगर आप ये पैसिव इनकम कर रहे हो तो फिर आप मेक श्योर कीजिए आपके पास वाजीरएक्स या बायनांस दोनों एप्लीकेशन होना चाहिए। तो वाजीरएक्स और बायनांस अगर आप यूज करते हो तो फिर यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो, और आप विड्रॉ भी आराम से यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और भी ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है पैसे कमाने का ट्रेडिंग से, तो अगर आपको जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।